हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं ड्रैकुला की एक शानदार कॉमिक्स, ड्रैकुला की तबाही, जो तुलसी कॉमिक्स की एक शानदार कॉमिक्स है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी धमाकेदार कॉमिक्सों के लिए। तो शुरू करते हैं ड्रैकुला की तबाही। ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ, ड्रैकुला की और कॉमिक्स भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। हमारे ड्रैकुला कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं अगर नहीं पढ़ी है तो। ड्रैकुला की तबाही। कभी राजा महाराजाओं की शान रही वह शानदार हवेली आज मासूम बच्चों के स्कूल व हॉस्टल द चाइल्ड के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी। द चाइल्ड भारत में चेरा पूंजी की तरह यहां भी वर्षा का कोई समय ना था, कभी भी हो सकती थी, कभी भी तूफान आ सकते थे। एक तूफान ऐसा भी था जो द चाइल्ड के अंधेरे की डूबी इमारत की तरफ बढ़ रहा था। तूफान बढ़ते हैं तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। खट खट, अरे इस वक्त कौन है? द चाइल्ड की प्रिंसिपल कुमारी साधना सिंह चौक पड़ी। कौन है बाहर इस वक्त? दरवाजा खोलिए प्रिंसिपल साहिबा, हमें इसी वक्त आपसे मिलना है। दरवाजा खुला, कौन है आप लोग? हमें इस बच्चे को द चाइल्ड में एडमिशन करवाना है। यह कोई वक्त है मिस्टर? रात के 12 बज रहे हैं। चौकीदार ने आपको अंदर कैसे आने दिया? आप सुबह 9 बजे? जी नहीं, हमारा काम तो शुरू ही रात के 12 बजे से ही होता है। क्या मतलब? ये मेरा ऑफिस नहीं, ये मेरा बेडरूम। आप फौरन मेरे कमरे से बाहर निकल जाएं, वरना शायद आप सभी के लिए अच्छा ना होगा। बंद दरवाजे से भला कोई कैसे निकल सकता है कुमारी साधना सिंह? होश उड़ गए प्रिंसिपल कुमारी साधना के। दरवाजा खुद पे खुद बंद हो रहा है? कौन हो तुम? मेरे बच्चे एंथोनी को द चाइल्ड में एडमिशन मिलेगा ना कुमारी साधना? ओहो गॉड, और उसके मुंह से खून निकल रहा था। वैम्पायर। अनिष्ट की आशंका से कुमारी साधना चीखती हुई दरवाजे की ओर भागी। चौकीदार, चौकीदार! लेकिन ही, ओहो आई! उस खौफनाक स्त्री के नुकीले भयानक दांत साधना की गर्दन में धस गए। ई खच्च! साधना की चीख बाहर कड़कड़ाती बिजली में दबकर रह गई। अगली शाम। ओहो मिस्टर एंड मिसेस डिसूजा, आइए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। इस बच्चे को दाखिला करवाना है ना? क्या नाम है इसका? विक्टर डिसूजा। फादर, मदर, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं आपके साथ रहूँगा। घबराओ नहीं बेटा, यहाँ कोई तुम्हारे कई दोस्त भी हैं, फिर हम प्रत्येक सप्ताह तुमसे मिलने भी आएंगे बेटे। आप फिक्र ना करें मिस एंड मिस रूजा, आराम में बच्चे ऐसा ही करते हैं, लेकिन फिर शीघ्र ही वे यहाँ के माहौल में रम जाते हैं। अब आप जा सकते हैं, हम इसे संभाल लेंगे। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा फादर। एंथोनी, इसे रूम नंबर 10 में पहुँचा दो। यस मैडम। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। चलो। आहा, एंथोनी की निगाहों में न जाने क्या जादू था। टन टन, चर्च के घड़ियाल 12 बजने की सूचना देते। फादर, फादर, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे अपने साथ ले चलो मदर। स्वप्न देखते देखते विक्टर की आँख गायब खुल गई और उसी पर नन्नी आँख खिड़की पर दिखाई दी, सायों पर अटक गई। वह उसका नन्ना सा दिल भैंसे काँप उठा, आँखों में दहशत नाच उठी। साय खिड़की से हट गए। चर्र, दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई और साय के होठों से सरसराती आवाज निकली। अब तो इस प्रिंसिपल का शरीर छोड़कर बाहर आ जाओ नीलोफर, अवश्य जॉन, और ही। प्रिंसिपल कुमारी साधना का शरीर फर्श पर गिर पड़ा। अचानक दोनों के चेहरों पर शैतानी नाचने लगी। जान, पहले तुम शुरू करो। भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए जॉन मुंह विक्टर की ओर बढ़ा। उस पल ई ओहो, यह हमारा दूसरा शिकार है नीलोफर, इस इमारत में शिकारी की कोई कमी नहीं है। हा 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 हा।
दूर हटो, ओफ, हिरण की तरह कूद कर भागा विक्टर। फादर मदर बचाओ बचाओ। कड़ाक तड़ाक, लहू गलती आंख देखता जॉन चीख पड़ा, नीलोफर पकड़ो उसे, वह भाग नहीं सकता जान, बाहर एंथोनी है। एंथोनी ही नहीं, बचाओ बचाओ, विक्टर अंधाधुंध भागा। विक्टर ने निकट पड़ा स्कूल उठा कर एंथोनी पर दे मारा। आहा, वह हमारे हाथों से बचना ही चाहिए, बचाओ। अचानक नहीं, ही। विक्टर भागने के लिए पलटा, ही नहीं, ही। आहा, एंथोनी ने झपट कर उसे दबोच लिया और आहा, दोनों धुएं की लकीरें बदल गए। उसी रात द चाइल्ड रूम के 20 के बाहर, आज जी भर कर अपनी प्यास बुझाना नीलोफर। दोनों धुएं बदलकर लकीर गायब हो गई और धुआं के होल के भीतर प्रविष्ट हुआ और ताजा खून, ही। नीलोफर ध्यान रहे, हमें उतना ही खून लेना है जिससे कि ये मरे नहीं। खच आहा, खच आहा। उसके बाद एक दिन मैडम वह चकराकर गिर पड़ा है। आहा, मैडम फ्रेशना जल्दी से बोली, अरे रॉबर्ट को क्या हुआ, उसे मेडिकल रूम में ले चलो जल्दी। मेडिकल ऑफिसर विलियम रॉबर्ट की जांच में चौक पड़े, इसे तो एनीमिया हो गया है, फ्रेंचना खून की कमी से बेहोश हो गया था ये तो। एनीमिया? लेकिन सर इसकी गर्दन पे दो निशान, इन निशानों ने मुझे ही परेशान कर रखा है फ्रेंचना। तभी सर ये एनडी चलते चलते गिर पड़ा था सर। जांच के बाद विलियम बुरी तरह चौंक पड़े, एनीमिया यह भी खून की कमी से बेहोश हो गया है, उसकी गर्दन पर भी वही निशान। द चाइल्ड में एनीमिया का खौफ छा गया, टीचर्स की मीटिंग बुला ली गई। अब बात हद से बाहर होती जा रही है, आखिर क्या रहस्य है बच्चों में फैलती इस बीमारी का, एनीमिया ग्रस्त बच्चों की गर्दन पर बने हुए निशान क्या सिद्ध करते हैं। मेरे ख्याल से इस मामले में पुलिस की मदद लेनी होगी। नहीं, पुलिस के आने से बात इस इमारत की हद से बाहर चली जाएगी, पहले हम खुद ही इस रहस्य का पता लगाने की चेष्टा करें। मैंने प्राइवेट डिटेक्टिव जॉन को इस केस की छानबीन के लिए बुलाया, आइए मिस्टर जॉन। फिर साधना और जॉन की निगाहें मिली, लेकिन उससे उनमें छिपी क्रूरता किसी को दिखाई ना पड़ी। मीटिंग बर्खास्त कर दी गई। उसी रात विक्टर, मेरे बच्चे क्या हाल हो गया तेरा। मदर, फादर, फ्लोरेंस लगता है हमारे विक्टर को ये जगह रास नहीं आई है। ओ जीसस क्राइस्ट, इसका चेहरा तो ऐसा सफ़ेद पड़ गया है जैसे सारा खूनी। डिसूजा, हम विक्टर को घर ले जाएंगे, इसे यहाँ रखा तो यह है। तुम ठीक कहती हो फ्लोरेंस, अभी यहाँ नहीं रहेगा। मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ, तुम इसका सामान तैयार करो। तेज आंधी बरसात में द चाइल्ड से निकली डिसूजा की कार। कार की पिछली सीट पर फ्लोरेंस के साथ उपस्थित था विक्टर। फ्लोरेंस, आज मुझे द चाइल्ड का वातावरण कुछ रहस्यमय लगा। मैंने भी दो एक बच्चों को देखा, सब बीमार से लग रहे थे। प्रिंसिपल कुमारी साधना ने बिना कोई प्रश्न किए मुझे फौरन ही विक्टर को ले जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन उसकी बलासी चमकती आँखें, उफ, पहले दिन ऐसा ना था। शुक्र है विक्टर को वापस ले जाने डिसूजा, कुछ कहती हुई चौक पड़ी फ्लोरेंस। कार रोको डिसूजा, विक्टर को कुछ हो रहा है। डिसूजा, ही। ओ माई गॉड, इसे क्या हुआ। उसी क्षण डिसूजा के पाँव पर ब्रेक कस गए, चीं। फ्लोरेंस की चीख निकल गई, डिसूजा बचाओ, ही। फ्लोरेंस विक्टर सहित कार से बाहर आ गिरी। आहा, डिसूजा चीखता हुआ बाहर निकला। विक्टर छोड़ो, क्या हुआ तुम्हें। आहा, दोनों साए हवा में लहरा उठे डिसूजा की तरफ, ही। विक्टर हमारा शिकार है, और हमारा शिकार मौत के बाद ही हमारे पंजे से छूट सकता है। खूनी ड्रैकुला, नहीं। फ्लोरेंस का रक्त निचोड़ने के बाद विक्टर के शरीर को एक झटका लगा और डिसूजा को अपनी मौत दिखाई देने लगी। नहीं, वह भागा, अगर यहाँ रुका रहा मैं तीनों शैतान मेरा खून पी जाएंगे। अचानक कार अपने आप चल पड़ी। ओहो नहीं, यह तो मेरी तरफ ही आ रही है। धड़ाम, आहा, बड़ाम। खूनी पिशाचों ने उसे घेर लिया। ही, निचोड़ लो इसका सारा खून। नहीं, और आ, चपर चपर चपर। वह उससे अगली रात थी। अरे इस समय ये बाहर गैली में आहट कैसी। खट खट, खिड़की का पट खोला डॉक्टर विलियम ने। यह तो जॉन है, प्राइवेट डिटेक्टिव।
रात के 12 बजे ये रूम नंबर 36 में क्या करने जा रहा है? मुझे देखना होगा वह अंदर क्या कर रहा है। विलियम ने आँख की होल पर सटा दी और दूसरे ही वह प्रिंसिपल कुमारी साधना के कक्ष की ओर भागा। दूसरे पल उसके रोंगटे खड़े हो गए। उफ, यह क्या? यह तो वह प्रिंसिपल कुमारी साधना के कक्ष की ओर भागा। खटखट, ओ आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? इस वक्त यहाँ मैडम रूम नंबर 36, आप मेरे साथ चलिए। दोनों रूम ने मित्रों में 36 में प्रवेश किया। खूनी पिशाच, खूनी ड्रैकुला, आहा तो तू है वह नर पिशाच, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा खून कर दूंगा, आहा। विलियम के गाल पर जबरदस्त थप्पड़ पड़ा। चटाक, आहा मैडम आप, हा, मैं तुम्हारी प्रिंसिपल नहीं हूँ, उसे मारकर उसके शरीर में रह रही हूँ मैं। यह देखो, तभी गैली में शोर मच गया। वह छोकरा एंडी निकल भागा है। द चाइल्ड में तूफान मच गया है। एंडी कहाँ है विलियम सर? उधर उधर अंदर जान व नीलूफर। विलियम पर झपटे, आज तुम्हारा भी नंबर है डॉक्टर, ही। सहसा विलियम ने अपना लॉकेट बाहर खींचा। शैतान पिशाचों, सुना है पवित्र क्रॉस के निकट नहीं फटकते तुम। तभी डॉक्टर विलियम, क्या हुआ? ओह नहीं, विलियम चीख पड़ा, भागो, ये दोनों ड्रैकुला हैं, खूनी पिशाच, ही, आज तबाही मचेगी। सब कमरे से निकल भागे, भागो खूनी पिशाच, आहा ड्रैकुला की तबाही। विक्टर का शरीर छोड़कर एंथोनी बाहर आ गया, ही। एंथोनी नीचे गिरकर एंडी पर टूट पड़ा, ही। आहा नहीं, विलियम सर बचाइए। डॉक्टर विलियम ने क्रॉस को एंथोनी को छुआ और आहा। उधर जॉन और नीलोफर पागल हो चुके थे, खून, आ नहीं, आहा नहीं, खून, ही। एंडी के साथ भागता डॉक्टर विलियम चीख पड़ा, सब लोग द चाइल्ड की चर्च की ओर भागो, ही, खून 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 खून। डॉक्टर विलियम ने एक भरपूर ठोकर जान और नीलोफर के पीठ पर जड़ दी। ताड़, आहा धाड़, आहा। बालक ड्रैकुला एंथोनी ने पुनः एंडी को जकड़ लिया, ही सर। डॉक्टर विलियम ने झपट कर एंथोनी की गर्दन दबोच ली, और खच, आहा। एंथोनी ने छूटने का भरपूर प्रयास किया लेकिन वह धुएं में बदलने लगा। आ तेरा अंत आवश्यक है बेटे, एक तीज चीख के साथ एंथोनी धुएं में बदलकर समाप्त हो गया। यह देख जॉन में नीलोफर क्रोध में चीखने लगे, इस इमारत में अब उल्लू बोलेंगे, कोई नहीं बचेगा। इमारत पर रह रहकर बिजली गिरने लगी। चर्च की तरफ दौड़ो एंडी, इमारत मलबे का ढेर बनने लगी। इधर सब लोगों ने भागते हुए चर्च में प्रवेश किया। फादर, फादर हेल्प अस। विलियम और एंडी का पीछा करते जॉन में नीलोफर चर्च के गेट पर ही रुक गए। खून, ये भटकती आत्माएं हैं, चर्च या मंदिर मस्जिद जैसी पवित्र जगहों में घुस नहीं सकती हैं। भीतर भटकती रूहों को मैं मुक्ति दूंगा। तभी एक चीख वातावरण से गूंज रही, फादर लगता है कोई स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचने से चूक गया है और दोनों ड्रैकुलाओं ने उसे घेर लिया है। वह देखिए फादर, बचाओ। इससे पहले कि वे दोनों पिशाच उस बच्चे पर टूट पड़ते, ठहरो रुक जाओ, अगर तुमने इस बच्चे को नुकसान पहुँचाया तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। हमारी खून की प्यास भड़क उठी है फादर, हम इसका खून पी लेने दो। दोनों ने अपने नुकीले दांत बच्चे की गर्दन की ओर बढ़ाए। फादर ने मनी मन कुछ पढ़ते हुए जीसस क्राइस्ट की मूर्ति को ऊपर कर दिया। जीसस की पवित्र भूमि की छाया दोनों पड़ी, आहा आहा। बताओ कौन हो तुम, हमें छोड़ दो, स्वतंत्र कर दो, आहा। जब तक तुम ये नहीं बताओगे तुम कौन हो, मैं तुम्हें इस पवित्र क्राइस्ट की परछाई से स्वतंत्र नहीं करूंगा, आहा आहा। जान के मुंह से घगराती हुई आवाज निकली, मैं जॉन हूँ, ये मेरी पत्नी लिलोफर है, डॉक्टर ने जिसे ख़त्म किया वह हमारा पुत्र एंथोनी था, हम कुछ दिन पूर्व कार एक्सीडेंट में मरने के बाद से ही भटक रहे हैं, हमें छोड़ दो, हमारी प्यास बुझने दो, आहा। मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा, हे जीसस क्राइस्ट, इन्हें मुक्ति दो प्रभु। अचानक क्राइस्ट की पवित्र मूर्ति की आंखों से तेज किरण निकली, किरणें जान में नीलोफर से टकराई, आहा ई, जोर से बिजली कड़की। देखते ही तीज चीखों के साथ दोनों के जिस्म धुआं बनकर आहा हवा में घुल गए। वातावरण एकाएक शांत हो उठा। जाओ डॉक्टर विलियम, अब कोई खतरा नहीं है, ओहो ड्रैकुला की तबाही हो चुकी है। द चाइल्ड की इमारत मरम्मत के पश्चात पुनः पहले जैसा स्वरूप दे दिया गया। ड्रैकुला फैमिली की तबाही के साथ ही अब वहां से मनुष्यत का साया सदा के लिए उड़ चुका था। समाप्त। चिल्ड्रंस लाइब्रेरी। तो दोस्तों, ये शानदार ड्रैकुला की तबाही कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है।
हॉरर कॉमिक्स। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी औसम कॉमिक्सों के लिए। तो देखता रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।